नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। अगर आप MPPSC या अदर स्टेट के PCS एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे उसका नाम आपको जरूर याद रखना है, इब्राहिम लोधी का। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। देखिए अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव। क्लियर है, और वहीं हम बात कर रहे हैं 24वें तीर्थंकर की, तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी जी का नाम। वही हम बात कर रहे हैं जैन धर्म में दो प्रमुख संगीतियाँ हुई थी, है ना। पहली जो संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी प्रथम जो संगीति थी, ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी, ये पहली जो संगीति हुई थी, है ना। और इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे आपके, स्थूलभद्र थे। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और ये कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। वही हम द्वितीय संगीति की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो द्वितीय संगीति जो है दोस्तों ये 512 ईस्वी में हुई थी। दो ही संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म में, आपको याद रखना है 512 ईस्वी में हुई थी, ये 300 ईसा पूर्व में है, है ना, 300 ईसा पूर्व, सॉरी, है ना, 300 ईसा पूर्व में, और ये 512 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है। और ये जो दूसरी जैन संगीति थी ये हुई थी आपकी बल्लभी गुजरात में, और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो क्षमा श्रमण थे। क्लियर है, तो जैन धर्म की संगीतियों के बारे में इतने पॉइंट आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों वो क्या थी, कुल या परिवार, है ना। ऋग्वैदकालीन सामाजिक व्यवस्था आपने पढ़ी होगी, उसकी जो छोटी इकाई थी वो कुल या परिवार थी दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोल वंश के शासकों की बात कर रहे हैं, इनके पास बहुत ही शक्तिशाली सेना हुआ करती थी दोस्तों, चोल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, है ना। तो चोल शासकों के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था, जो रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हड़प्पा। वहीं हम बात कर रहे हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कथन किसका है, तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक जी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों, तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। क्लियर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना, पतन नगर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो लोथल आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में है, नहीं 1885 में की गई थी, और ए ओ होम जो है इसके संस्थापक थे दोस्तों, ये अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और पहला जो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहला जो इसका क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, आपको याद रखना है। और दादा भाई नौरोजी क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। और वही हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो संस्थापक आपको याद रखना है, कब हुई थी इसकी स्थापना 1885 में, मुंबई आपको याद रखना है स्थान, है ना, इतने पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो देखिए महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम जो उपदेश दिया गया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस वेद की रचना गद्य और पद्य में की गई है, तो हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है दोस्तों कि इसमें इसकी जो रचना है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अब आपको कमेंट में बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे नवीन वेद कौन सा है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, ये कमेंट में ज़रूर छापिएगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है और सबसे नवीन वेद कौन सा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, सैयद अहमद खां की बात कर रहे हैं, सैयद अहमद खां ने पहला समाचार पत्र शुरू किया था। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं, है ना, स्वामी विवेकानंद
जिन्हें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इनके ही क्या थे, गुरु थे दोस्तों, है ना। वही हम बात कर रहे हैं किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो जापान, जापान की बात कर रहे हैं ना। जापान में सबसे पहले सूरज उदय होता है, सूर्य उदय होता है, इसलिए उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, भूमि कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी 8 अगस्त 1942 को, है ना, याद रखना है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, सफ़ेद क्रांति अर्थात दुग्ध क्रांति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है वर्गीज कुरियन जी का नाम, है ना, वर्गीज कुरियन जी को क्या कहा जाता है, सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो आपको याद रखना है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। वहीं हम बात कर रहे हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए, तो ये आप याद रखेंगे विशेष रूप से 23 वर्ष। वहीं हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी इकाई जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आप सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष, है ना, तो ये आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन की बात कर रहे हैं जो गंगा नदी में पाई जाती है दोस्तों, ये डॉल्फिन है ना, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पॉइंट याद रखेंगे, है ना। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्रिकेट विश्व कप की बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ है। और वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों, 21A सब आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का एक मूल अधिकार माना गया है दोस्तों, और जैसे मूल अधिकारों की श्रेणी में भी रखा गया है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं चंद्रमा पर मानव को पहुँचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो अपोलो की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत चर्चा में रहता है, अपोलो 11 की बात कर रहे हैं, ये ऐसा यान है जो क्या किया था, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला यान था दोस्तों, है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों अपोलो। वहीं हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय की, तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं लीबिया की मुद्रा कौन सी है, तो देखिए लीबिया की जो मुद्रा है दोस्तों वो दिनार, अब आप लोग कमेंट में बताइए अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, तो जापान की मुद्रा क्या है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पोर्सलिन टावर किस देश में स्थित है, तो चीन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं यहाँ पर। एफिल टावर आपको पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, तो राष्ट्रीय पंचायत की बात कर रहे हैं, है ना, राष्ट्रीय पंचायत जो है साथियों ये संसद का नाम है, कहाँ की, नेपाल की, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है दोस्तों, है ना। रोहिंटन वॉरियर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हमने वन लाइनर फैक्टों को रखा है जो जो स्टैटिक जीके के संदर्भ में है और बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जी हाँ, वीडियो में चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए थे। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं आंदोलन, यहाँ पर बात कर रहे हैं गांधी जी के आंदोलन की, तो पहले आंदोलन की बात कर रहे हैं चंपारण बिहार में इन्होंने आंदोलन किया था, इसके बाद इन्होंने क्या किया था राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को शामिल किया था दोस्तों, आपको याद रखना है चंपारण बिहार में पहला आंदोलन था इनका। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो आपको याद रखना है सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह को शहीद आजम के रूप में जाना जाता है, है ना, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है ये नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी दोस्तों। वही हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। वही हम बात कर रहे हैं विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मामल्लपुर की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। गायकवाड़ कहाँ का शासक था दोस्तों, तो बड़ौदा की बात कर रहे हैं, बड़ौदा गुजरात का एक शासक हुआ करता था गायकवाड़, है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों, जय जवान जय किसान का जो नारा है दोस्तों बहुत चर्चा में रहता है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया नारा था दोस्तों, आपको याद रखना है। और वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों,
भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है केरल है दोस्तों, आपको याद रखना है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है आपका दोस्तों? बिहार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है मुंबई में, ये बंदरगाह मुंबई में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, देखिए एक उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, हालांकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मैक्सिमम जो है अभी 53 है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कितने न्यायाधीश होते हैं एक मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो 31 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना, कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को बात कर रहे हैं साथियों, 18 अप्रैल जो है साथियों विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, 22 अप्रैल आपको याद रखना है। और वहीं हम बात कर रहे हैं वात्सल्य मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वात्सल्य जो मेला है दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित होता है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है इसे, है ना, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, और बेंगलुरु को ही साइंस सिटी भी के रूप में विकसित किया गया है दोस्तों, तो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है। किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप पे शुरू किया था? तो ये भी आप याद रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में है स्थित है दोस्तों, ये अयप्पा मंदिर बहुत चर्चा में रहता है। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये मंगलोर को बोला जाता है ना, बंदरगाह वाला जो नगर है वो बोला जाता है मंगलोर को। वहीं बात कर रहे हैं किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है? तो यस बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना, यस बैंक आप याद रखेंगे। मनुष्य की आँख का वजन क्या होता है दोस्तों? तो 7.5 ग्राम जो होता है मनुष्य की आँख का वजन होता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? ये कवर अत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी, विशेष रूप से आपको याद रखना है, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा, जो स्वयं बाबर ने लिखी थी आपको याद रखना है, बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं डायमंड हार्बर की, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है कोलकाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगन जो है ये हड़प्पा कालीन शहर है या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन शहर है, आपको याद रखना है, राजस्थान में स्थित है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।